मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, देख लेना। अच्छा तुमने उनके रिश्ता अलावा पक्का भी कर दिया? तुम्हारा भाई ने बोल रहा है कि दूसरा शादी का जो ना रिश्ता पक्का कर बुड्ढे दिया। हो क्या गए, है? इतना एज हो हाँ तो गया, एक बात बच्चा हो गया। और जो आएगा उसका पैर, हाँ तो पुलिस को फोन करके तुम्हें बता दूंगी कमरे में ही साला बंद कर ये लोग दूंगा। मेरा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अपना स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे गाइज, और सुरक्षित होंगे गाइज। आज ना हमारे साले साहब ने मेरा रिश्ता पक्का फिर से कर दिया कि दोबारा शादी करो जीजा। तो गाइज इसमें जो उसका भाई ने रिश्ता मेरा पक्का किया, उसमें जो उसकी बहन का जो रिएक्शन होगा वंदना जी का, आज तो बहुत ही ज्यादा टॉपिक खतरनाक होने वाला। और भाई बहन का आज जब बहुत ज्यादा तगड़ा लड़ाई होने वाला, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है गाइज। हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला आपको नोटिफिकेशन मिल सके गाइज। जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। प्यारा सा कॉमेडी सा रील्स बनाते गाइज, तो आज ना वीडियो स्किप मत कीजिए, बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला और इंटरटेनमेंट होने वाला। चलिए तो वीडियो के एंड में मिलते हैं, तब तक के लिए। A few moments later. हेलो एवरीवन, तो गाइज यहाँ पे कैमरा हो गए हैं सेटल और वंदना जी आने वाले हैं कुछ देर में, और मैं लगाता हूँ उनको भाई को फोन। अभी देखिए इसमें रिएक्शन बहुत तगड़ा। नंबर कहाँ गया भाई? जा रहा गाइज। हाँ साले साहब बोलो। हाँ, अच्छा वो जो वहाँ तिमी आया था दे, जो घूमने के लिए आया था, वो जो देखा था वही है क्या? अच्छा, तुमने रिश्ता पक्का भी कर दिया साले खत्म। साहब? अच्छा, शगुन में 500 रुपया पैसा भी ले लिया? हाँ अच्छा। अरे वो जो है ना तुम्हारा भाई ने बोल रहा है कि दूसरा शादी का जो ना रिश्ता पक्का कर दिया हमारा। हमारा हाँ किसका? पागल मेरा। हो गया हो क्या? ए क्या बोल रहा है, पागल हो गया है? हाँ पक्का कर दिया तूने? आएगा देखने के लिए फिर से? बोले देखने के लिए भी आएगा। पागल हो गया? पैसा तुमने पैसा, हाँ पैसा पकड़ भी लिया? हाँ अच्छा, एक गधे यार, क्या कौन सा रिश्ता, किसका रिश्ता भाई? एक गधे है, तू बोल नहीं सकता था कि मेरे जीजा है, वो मेरे साथी, उनका शादी हो चुका है, एक बच्चा है। तुम गधाई है तुम? हाँ तो ठीक है, तो कब देखने के लिए आएगा? अच्छा आज ही आएगा? अच्छा तुमने शगुन का पैसा भी ले लिया, चलो अच्छा है यार। चुप रहे आप, चुप हाँ रहे। किस कौन सा सुगन, कौन सा सगुन, कौन सा साथी, वो पक्का कर दिया। अरे कहना क्या चाहते कौन? हो? कौन? पक्का कर दिया? अच्छा पक्का कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा जब मैं बात करती हूँ उससे। हेलो, तुम क्या अभी बात कर? हाँ पागल हो गया है बताना मुझे, तो दिमाग में कुछ नहीं है तुम्हारे पास? हाँ अगर शादी में आया था वही लोग, तो ये नहीं बोल सकता था कि मेरा वो जीजा है, शादी हो गया, उसका एक बच्चा है, वो लोग मतलब रिश्ता पक्का कर दिया 500 रुपये देकर। तूने शगुन का उसका 500 रुपये ले भी लिया? तुम दे हाँ यार। उसका 500 रुपये रिटर्न करना है, समझ गया? पागल लड़का, एकदम शर्म अभी नाम का चीज ही नहीं है। बोला वो लड़की वाले बेइज्जती करेगा, अभी भाई भगवान, बेइज्जती क्या करेगा, क्या अभी बेइज्जती बोल रहा करेगा? पैसा पकड़ लिया तो कैसे जाए, वो रिटर्न करेगा, वो बेइज्जती नहीं होगा? तो मैं उसको 2,000 दे दूंगी, 500 रुपया लिया मैं उसका, उसका 2,000 दे दूंगी। कौन लक्ष्मी वो बोल रही है? उसकी वाइफ है, लक्ष्मी है, मेरा भाई क्या कराना उसका। बात कराएगा तुम्हें? तो वो बोल रहा है कि नहीं 2,000 नहीं चाहिए, वो अभी जो 500 रुपया लिया अभी तो तुम्हें वो थी करना पड़ेगा। भाई इसको तेरे को शर्म नहीं आया? थोड़ा सा भी तुमको शर्म नाम का मतलब चीज नहीं है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, वो भी सगी बहन हूँ, अपने जीजा का रिश्ता करके करवा के तो आ गया, हद हाँ इंसान है। चल ठीक है, खुशी है, करवा दिया तो अच्छा है ना। अभी ठीक है, कब आएगा देखने के लिए ये तो बता दो। कोई हाँ नहीं आ रहा है देखने के लिए, आया समझ में? उसको अभी बोलना उसने पैसा पकड़ लिया शगुन का, तू तो उसने आएगा भी ही नहीं। पैसा पकड़ा, मैने उसको बोला था पैसा पकड़ने के लिए, उसको उसी टाइम बोलना उसने चाहिए था पैसा ना। पकड़ लिया अभी। आप तो चुप ही रहे, आपके मन में लड्डू फूट रहा है।
तो फूटेगा नहीं, आ रहे हैं हमारा रिश्ता फिर से देखने के लिए। तो भाई हमारा साले ने का रिश्ता पक्का कर दिया है और पैसा भी पकड़ लिया। किस चीज का रिश्ता? रिश्ता होता है कुमारे लोगों का, आपका एक बच्चा है, शादी हो गया तो क्या हो गया? दाढ़ी पर क्यों आपको क्यों भोंक रही हूँ मैं? बुढ़े हो गए, इतना एज हो गया, एक बच्चा हो गया है तो क्या हम हैंडसम नहीं दिख रहा है? हैंडसम नहीं दिख रहा हमारा सारे साहब को पता है कि हैंडसम दिख रहा है इसके वजह से। अच्छा सारा दाढ़ी देखो पक पक गया है, वाइट वाइट हो गया। अच्छा क्या बोल रहा था वो? शर्म नहीं है तो तुमको भी शर्म मानना चाहिए, और सगा मेरा भाई। अच्छा बड़े घर का है, घर में आग लगा रहा है। अच्छा बड़े घर का है अब वो तो? अच्छा बड़े घर का है, बड़े घर के है। अच्छा ठीक है भाई, भेज दो तुम। अच्छा क्या भेज दो? अभी तो बड़े घर का है, अभी लड़की वाले आ रहे लड़की वाले देखने के लिए। सामान कुछ लेने नहीं आ रहे हैं जो? भेज दो बोलो। हाँ। आने के लिए नहीं, वापस उसको पैसा देने के लिए। वापस नहीं देगा वो, बोल रहा है वापस। ये इज्जत का सवाल है यहाँ पे उसका, साले का मेरा इज्जत का सवाल। भाड़ में गया था इज्जत। सुन बोल देना कि मैं ना 1000 रुपए मैं अपने पास से 1000 रुपए 2000 जितना लेगा। नहीं बोल रहा है वो, 1000 रुपए भी नहीं है। ठीक है अब उसको रिटर्न कर देना। अभी इज्जत का सवाल है वो, करना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। बड़े घर का वो भी ऑफर दे रहा है अभी, न तो फिर बाद में नहीं बोल रहे। कपड़े थोड़ी रहे, मॉल में थोड़ी ना जा रहे हम लोग, जो ऑफर दे रहा है आपको। अच्छा तो कहाँ भेज दो इसको? तुम आप बहन को तुम्हारे वो घर पे ही भेज देता हूँ। और जो आएगा उसका पैर हाथ तोड़ के रख दूंगी। इसको भी तुम भी आओ, आओ रवि घर पे आओ, तुमको बताती हूँ तुम्हारा भी पैर हाथ तोड़ती हूँ। क्या तुम पैर हाथ तोड़ देगी उसकी? हाँ। आने दो ना, अब जो देखने अच्छा। के लिए आता है उसको भी नहीं बताती। उसको एक कमरे में बंद कर दूँ ना, तो वो पता है ना इसका मुंह खुल देगा कि मेरा हस्बैंड है, ये है वो है। क्यों ना बोलूं, शर्म नाम का आपको चीज है नहीं भाई। हाँ तो इसने साले ने बोल रहा है कमरे में बंद कर देना बहन को, जो होगा देख लेगी। बंद कर दे, हाँ कमरे में बंद कर। आ तुमको देख रहा हूँ कहाँ बंद करती हूँ, कमरे में बंद कर देगा। तुम तीनों को बंद करूंगी, तुम तीनों ने तो ये सलाह मिलाया, मुझे अब सब समझ में आ रहा है। ये तीनों ना तो हाँ वो सही बात बताया तुमने रवि की, वो बंद करना ही पड़ेगा ना, तो आएगा ना उसके मुंह के वो उसके सामने ना ये भड़का उड़का देगा उसको दोबारा फिर। अच्छा भड़का देगा, वो घर के अंदर नहीं घुस पाएगा। फालतू का काम तो कीजिए मत आप लोग। हाँ ठीक है, इसको कमरे में बंद कर दूंगा। ठीक है कहाँ कमरे में? कहाँ पागल हो गया है? हाँ कमरे में ही बंद कर दूंगा उसको। चल चल। अरे पागल हो गए हो क्या यार? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। कमरे में कर रहा है, बैठने देंगे? नहीं तुम्हें अभी नहीं है, पर रखने दूँ यहाँ नहीं अभी। रुको दो मिनट, तू लाइन पे जाना भाई। पागल हो गया क्या? मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, देख लेना। तुम तीनों को साला अंदर करवा दूंगी। फोन किया पुलिस को, तुम क्या करेगा? पुलिस को फोन करके मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगी। कमरे में बंद कर दूंगा, कमरे में बंद कर दूंगा। मिला हुआ है प्रेग्नेंट लेडीज को, तुम लोग ऐसा कर रहे हो, छोड़ो इधर, मुझे भाग जाने दो। कमरे में बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अरे इतना वजन है भाई, इतना भैंस का तरह है ये, देखो ठाकुर नहीं गया उधर से, वो भाग के चला है यार। अबे कहाँ इसको बंद करूँ? पागल हो गया, भांगू खा लिया क्या? अरे इसको क्यों मोटी की इतना कहाँ से उठा के मैं बंद करूंगा यार, ये उसको ले जा रहा हूँ, मैं ही थक गया है अभी अकेले, अभी क्या करूँ? मैं मम्मी पापा को फोन करके बताती हूँ। तुम किसको? मैं मम्मी पापा को भी फोन करके बता रही हूँ, और पहले पुलिस को करूंगी फिर मम्मी पापा। तुम कर देना पुलिस को, पुलिस को करके क्या मिलेगा? पुलिस को क्या करके मिलेगा? फोन कट करो अभी, फोन कट करो। तुम कहाँ फोन करेगी? पहले कट करो, मुझे कहीं करना है। कहाँ करेगी? मैं जहाँ कर रही हूँ। कहाँ करेगी तुम? पुलिस को फोन करने के लिए? तुम लोग क्या कर रहे हो बता दो मेरे को। तो भाई रिश्ता पक्का किया तुम्हारे भाई ने 500 रुपया में, 500 रुपया में रिश्ता पक्का कर दिया। कैसे इंसान है यार, थोड़ा भी शर्म नहीं आता उसको? नहीं आता आपको भी नहीं आता है अपना घर? तो तुम्हारा भाई ने मेरा पक्का कर दिया ना, क्या अभी हैंडसम नहीं दिख रहा है मैं? क्या तुम्हारा भाई ने रिश्ता मेरा 500 रुपये में पक्का कर दिया अभी?
मैं बोल रही हूँ ना, उसको मैं 2-3 हजार जितना होगा मैं अपने घर के उसके मैं दे दूंगी नहीं, मैं। वो नहीं देगा, फिर से फोन लगाता हूँ, वो रिटर्न नहीं देगा। हेलो भाई, अरे क्या रिटर्न पागल आदमी है, क्या पागल हो गया है, अपनी बहन का जिंदगी खराब कर रहा है, समझ में नहीं आता इसको। तो बोल रहा है कि इसका आप बर्बाद ही कर देंगे अभी जिंदगी को, होने दो अभी, अभी होने मैं दो तुम दोनों को अभी घर दो। से फेंकवा दूंगी, उठवा के देखना, मैं पापा को फोन करती हूँ अभी। तुमको वहां पापा को कोई फोन नहीं करेगा, वो पापा मैं को। करूंगी अभी, पापा और हाँ मम्मी को सबको फोन ठीक करो, है, बताती ठीक हूँ। है, इसको अभी मैंने देख लिया, अभी आ जाएगा ना, आज आ जा, पक्का है ना कि आ जाएगा रिश्ता देखने। हाँ ठीक है, अरे पागल हो गया, रिश्ता देखने के लिए आएगा? कोई नहीं, कहीं भी नहीं, कोई नहीं आने वाला है, आएगा आएगा कोई नहीं आने वाला है। आए आए आएगा, आए, तुमको भी बताती हूँ और आपको भी अब बताती हूँ, आएगा रिश्ता देखने के आए। लिए। भाई तुम्हें उठा के अभी कमरे में बंद आपको तो करना उससे पड़ेगा फिर खूबसूरत से। अच्छा है ना, जो रिश्ता देखने के लिए आए, तो क्या तो हैंडसम नहीं दिख रहा है? आए अभी हम बताती हूँ, हैंडसम नहीं दिख रहा हूँ कि अभी भी आ आने सकता है, दो। हमारा अभी भी हमारा रिश्ता लग सकता है, हैंडसम नहीं दिख रहा है क्या? हाँ लगते हो तो फिर ये थोड़ी ना कि एक मतलब एक जन्म में 10-10 शादी करके बैठोगे, हैंडसम हो तो क्या हुआ? क्या हुआ, तो इतना क्यों गुस्सा हो रही है तुम? इतना गुस्सा यार क्या, शर्म नहीं आता है आप लोगों को? क्या थोड़ा सा इतना, भी बताना, क्या इतना शर्म नहीं आता है 500 रुपया तुम्हें? ले लिए, लालची इंसान। शाबाश बेटा, सबसे बड़ा वही लालची है। आने बहुत। दो उसको, पापा को फोन करो, मम्मी को तो हटो। गुस्सा क्यों हो रही है? गुस्सा मत हो ना, अरे गुस्सा मत हो, मैं पापा को अरे फोन मस्ती करती कर रहा था तुम्हारे साथ में, दोनों ने मिलके मस्ती कर रहा हूँ। था मस्ती कर रहा था, मस्ती कर रहा था, तुम्हारे साथ में फ्रैंक भी हो गया उधर, देख कैमरा लगा रखा था सामने, और रवि को मैंने बोल रखा था कि ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे करना है। मस्ती 500 रुपए लिया, शगुन लिया, ये शादी वाला कैसा प्रेम है, ये कौन सा मैंने है? उसको सेटिंग करके रखा था, मैं बोला ऐसे ऐसे करूंगा फ्रैंक करने वाला मैं तुम्हारे बहन के ऊपर, तो उसने बोला ठीक है मैं भी साथ दूंगा। साले साहब ने मेरा साथ दिया तो इसके लिए बंदना जी का जो रिएक्शन था बहुत तगड़ा रहा गाइज। यार तो तुम गाइज कैसा दोनों लगा यार, बंदना जी का रिएक्शन, देख लिया आप लोग? बहुत ही तगड़ा खतरनाक ही रिएक्शन था। तो गाइस कैसा लगा आप लोग, वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को। गाइस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो गाइस आप लोग प्यार ऐसे आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि बंदना जी का आप लोग देख लिए, शॉर्ट वीडियो में नहीं डाले थे, नहीं देखे हैं तो गाइस इसी चैनल पे ना शॉर्ट वीडियो डाला था, बंदना जी को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, इसके वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है अरे इसको, हर महीने में तबीयत बहुत खराब ज्यादा तबीयत होता खराब हो है। रहा है, सांस फूल रहा है, इसके वजह से गाइस तो वीडियो आ भी नहीं पा रहा है, एक दिन गैप हो गया था, तो इसके वजह से मैं किसी तरह ने किसी तरह से बना करके बस चलो किसी तरह फ्रैंक करके भी डालते हैं। तो गाइस एक चैनल और बनाया, वो ब्लॉगिंग चैनल, अभी बंदना जी के जो प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ मैं उस पर डिटेल डालूंगा, ब्लॉगिंग डालूंगा और शॉर्ट वीडियो डालूंगा। तो गाइस जो वो चैनल का नाम है आपके मेरे चैनल के नीचे ही मिल जाएंगे, वो चैनल है तो उसपे मतलब लव जान ब्लॉग्स है, लव जान ब्लॉग्स, तो उसपे ना जो बंदना जी के बारे में प्रेगनेंसी का जो है मतलब जैसे डॉक्टर के यहाँ जाना, बंदना जी के क्या कंडीशन में है, तो आप लोगों को जो देखना है बंदना जी का मतलब जो मतलब रियल में मतलब बंदना जी कहाँ जाती है क्या ब्लॉग करती है, डालेंगे उसमें मतलब ब्लॉग थोड़े डालेंगे, दिनों शॉर्ट बाद। वीडियो डालेंगे, तो उसमें जैसे लाइफ स्टाइल का जो बंदना जी का प्रेगनेंसी का चल रहा है वो सारे डिटेल उसमें मिलेंगे गाइज। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस चैनल पर जाकर सपोर्ट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बन्ना जी के साथ में ऐसे थोड़ा बहुत फ्रेंक वीडियो बनते रहेगा गाइस। तो इसी चैनल के नीचे जो दूसरा चैनल भी दिख रहा है, तो गाइस आप लोग वहां पे जाकर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दिखाइए उस पर भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंक वीडियो में, तब तक के सबसे बड़ा वही लालची है, आने लिए। दो उसको, पापा को फोन करो, मम्मी को तो हटो। गुस्सा क्यों हो रही है? गुस्सा मत हो ना, अरे गुस्सा मत हो, मैं पापा को अरे फोन मस्ती कर करती रहा था तुम्हारे साथ में, दोनों ने मिलके मस्ती कर रहा हूँ, वहां था मस्ती कर रहा था। मस्ती कर रहा था, तुम्हारे साथ में फ्रैंक भी हो गया उधर, देख कैमरा लगा रखा था सामने, और रवि को मैंने बोल रखा था कि ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे करना है। 500 रुपए मैंने लिया, शगुन लिया, ये शादी वाला कैसा प्रेम है, ये कौन सा है? उसको सेटिंग करके रखा था, मैं बोला ऐसे ऐसे करूंगा फ्रैंक करने वाला मैं तुम्हारे बहन के ऊपर, तो उसने बोला ठीक है मैं भी साथ दूंगा। साले साहब ने मेरा साथ दिया तो इसके लिए बंदना जी का जो रिएक्शन था बहुत तगड़ा रहा गाइज। यार तो तुम गाइज कैसा दोनों लगा यार, बंदना जी का रिएक्शन, देख लिया आप लोग? बहुत ही तगड़ा खतरनाक ही रिएक्शन था। तो गाइज कैसा लगा आप लोग, वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को। गाइज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।
तो गाइज आप लोग प्यार ऐसे आशीर्वाद देते रहे, क्योंकि बंधना जी का आप लोग देख लिए, शॉर्ट वीडियो में नहीं डाले थे। नहीं देखे हैं तो गाइज इसी चैनल पे ना शॉर्ट वीडियो डाला, तो बंधना जी को बहुत ज्यादा तबियत खराब हो रहा है, इसके वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, अरे हर महीने में तबियत बहुत ज्यादा तबियत खराब हो रहा है, सांस फूल रहा है, इसके वजह से गाइज तो वीडियो आ नहीं पा रहा है, एक दिन गैप हो गया तो इसके वजह से मैं किसी तरह से बना करके बस चलो किसी तरह फ्रेंक करके भी डालते हैं। तो गाइज एक चैनल और बनाया, वो ब्लॉगिंग चैनल, अभी बंधना जी के जो प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ मैं उस पर डिटेल डालूंगा, ब्लॉगिंग डालूंगा और शॉर्ट वीडियो डालूंगा। तो गाइज जो वो चैनल का नाम है आपके मेरे चैनल के नीचे ही मिल जाएंगे, वो चैनल है तो उसपे मतलब लव जान ब्लॉग्स है, लव जान ब्लॉग्स, तो उसपे ना जो बंधना जी के बारे में प्रेगनेंसी का जो है मतलब जैसे डॉक्टर के यहाँ जाना, बंधना जी के क्या कंडीशन में है, तो आप लोगों को जो देखना है बंधना जी का मतलब जो मतलब रियल में मतलब बंधना जी कहाँ जाती है क्या करती है, उसमें ब्लॉग डालेंगे, शॉर्ट वीडियो डालेंगे, तो उसमें जैसे लाइफ स्टाइल का जो बंधना जी का प्रेगनेंसी का चल रहा है वो सारे डिटेल उसमें मिलेंगे गाइज। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस चैनल पर जाकर सपोर्ट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बंधना जी के साथ में ऐसे थोड़ा बहुत फ्रेंक वीडियो बनते रहेगा गाइज। तो इसी चैनल के नीचे जो दूसरा चैनल भी दिख रहा है तो गाइज आप लोग वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दिखाइए उस पर भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंक वीडियो में, तब तक के लिए